दोस्तों नमस्कार। देखिए, आपके सामने हम ब्रज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका हम टॉपिक लेकर के आए हैं, मोटिवेशन। देखिए, वर्तमान में परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन जिसको कि आप इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा। क्या बोलते हैं मित्रों? प्रेरणा। अगर हम दूसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें तो हम इसको मित्रों हम बोलते हैं अभिप्रेरणा। प्रेरणा और अभिप्रेरणा, कई किताबें हमें भ्रमित कर देती हैं कि प्रेरणा और अभिप्रेरणा ये अलग अलग हैं या एक हैं। मित्रों भाई, कई बुक्स हमको अप्रेरित ना करके और वो हमें क्या कर देती हैं? भ्रमित कर देती हैं कि हम क्या बताएं, प्रेरणा एक है या अनेक है, अप्रेरणा अलग है या वो ही है। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रेरणा और अप्रेरणा, जिनका इंग्लिश वर्जन जो होता है मोटिवेशन ही होता है। मित्रों क्या होता है? मोटिवेशन, जिसको हम बात करते हैं प्रेरणा और अप्रेरणा की। इसके भी हमारे देखिए मित्रों, टॉपिक को लेकर के ही अनेक क्वेश्चंस हमारे यहां पर आपके सामने आ जाते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं मित्रों प्रेरणा और अप्रेरणा को लेकर के। इसको हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं सीखने का हृदय। सीखने का हृदय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मित्रों? हम सीखने का हृदय, हार्ट ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं मित्रों? इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ लर्निंग, बोलते हैं गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का स्वर्ण पथ। क्या बोलते हैं मित्रों इसको? सीखने का स्वर्ण पथ। यानी गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, सीखने का स्वर्ण पथ बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं सीखने में अनिवार्य स्थिति। सीखने में क्या है मित्रों? हमारा अनिवार्य स्थिति है। क्या है हमारा? सीखने में अनिवार्य स्थिति, इसको हम कहते हैं। सीखने का मुख्य कारक भी कहते हैं इसको हम। सीखने का मुख्य कारक, सीखने का मुख्य कारक, इसको देखिए हमारे स्किनर महोदय ने कहा है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग। इसको हमारे उन्होंने क्या कहा था मित्रों? यानी कि अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग, ऐसा हमारे किसने कहा है? स्किनर ने। किसने कहा? हमारा स्किनर ने कहा है कि ये हमारे अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग कहलाता है। देखिए, मोटिवेशन
मोटिवेशन इज ए हार्ट ऑफ लर्निंग एंड गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग पोटेंट फैक्टर इन लर्निंग साइन क्यूनन इन लर्निंग। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रेरणा और अवप्रेरणा को लेकर के मित्रों। प्रेरणा और अवप्रेरणा सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पत्र, सीखने में अनिवार्य स्थिति, सीखने का मुख्य कारक और अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग। क्या कहलाता है? अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग। यानी कि ये अवप्रेरणा होता क्या है मित्रों? हम बात करते हैं आपको अधिक प्रेरणा होता क्या है। देखिए, आपके अंदर का एक बल है, आपके अंदर का एक जुनून है, आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एक ऐसे गुण हैं जिससे आप उसको बाहर जाकर के क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वही हमारे, हम बात करते हैं हमारे क्या कहलाता है, अवप्रेरणा कहलाता है। यानी कि अपने मन में एक ख्याल सा आता है। क्या आता है? ख्याल। भाई हमारे मन में एक ख्याल आता है, मेरा यार दूल्हा बना। अब मेरा भी मन क्या कर रहा है? अंदर से दूल्हे बनने का कर रहा है। हमारे अंदर एक विचार, जो ख्याल आए ना, वो हमारे किस रूप में आ रहे हैं? अवप्रेरणा के रूप में आ रहे हैं। अरे यार, वो सामने वाला लग गया जॉब में, उसको मास्टर की नौकरी प्राप्त हो गई, अब मुझे भी लगनी है। क्या आप बताइए, आपके अंदर एक जुनून जज्बा पैदा नहीं होता है? जिस दिन रिजल्ट आता है आप लोग घबराते हैं, अरे क्या करें, कैसे करें, रिजल्ट कैसा आएगा? पता चलता है पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, उसी दिन आज क्या सोच लेते हो कि आज या तो अब आपकी भर्ती में या तो मैं ही रहूंगा या रीटी रहेगी, है या नहीं? यानी कि आपके अंदर का एक बल, वही हमारा क्या कहलाता है मित्रों, अवप्रेरणा कहलाता है। अवप्रेरणा कहीं दिखाई नहीं देती है, कोई बाजार में मिलती नहीं है। ये हमारे क्या है, अंदर का बल है, जज्बा है, जुनून है, रुतबा है, उसको हम क्या कहते हैं मित्रों, अवप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अवप्रेरणा कहते हैं। अवप्रेरणा की अगर हम बात करें तो अवप्रेरणा ये हमारा क्या है, सीखने का हृदय माना गया है, सीखने का स्वर्ण पथ है। यानी कि बिना अवप्रेरणा के अधिगम सर्वोत्तम नहीं है। भाई हम अधिगम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अधिगम हमारा मान्य नहीं है और ना ही वो प्रभावी होगा। कब तक? जब तक हमारे बीच में क्या नहीं होगी, अवप्रेरणा नहीं होगी। और सीखने की ये हमारी क्या कहलाती है, अनिवार्य स्थिति कहलाती है। सीखने का मुख्य कारक है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग, ही हमारा क्या कहलाता है मित्रों, अवप्रेरणा कहलाता है। देखिए अवप्रेरणा, हाँ मित्रों, आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इसकी मित्रों, अवप्रेरणा की, अवप्रेरणा की शाब्दिक उत्पत्ति। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? शाब्दिक उत्पत्ति। शाब्दिक उत्पत्ति की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था कि एक हमारा शब्द है जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक हमारा शब्द है, मोटम। और मोटम से बना है, मोटिवेशन किससे बना है हमारा? मोटम से बना है। और मोटम का जो अर्थ होता है, जिसका होता है टू मूव, मोशन, या मोटर मूव। देखिए मित्रों, यहां पर जो हमारा मोटिवेशन है, ये हमारे इंग्लिश का वर्ड है। ये यहां पर हमारा जो मोटम है मित्रों, ये हमारा लैटिन वर्ड है।
ये हमारा ग्रीक है, ध्यान रखना ग्रीक। आपसे कोई पूछे कि मोटिवेशन कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको आंसर अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी करना है, इंग्लिश उसमें लिखा हुआ आता है तो इंग्लिश करना है। आपको कई जगह मोवियर्स भी मिल जाता है, क्या मिल जाता है मोवियर्स, क्या मिल जाता है मित्रों मोवियर्स, कई किताबों में मोवियर्स भी मिल जाता है, कई में मोटम भी मिल जाता है, कहां से आपको मिलेगा मोटम। मोटम हमारे लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि मोटिवेशन हमारे मोटम से बना है। मोटम का अर्थ होता है टू मूव या मोशन या मोटर मूव। इन शब्दों का अगर हम अर्थ निकालें, इन शब्दों का अर्थ निकालें तो इनका अर्थ होता है गति करना, क्या करना मित्रों गति करना, यानी कि हम दिन प्रतिदिन हरेक समय गति करते रहते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं इनका अर्थ तीनों का यानी कोई क्रिया करना, कोई क्रिया करना या कोई हलचल करना, तो वही हमारा क्या कहता है मित्रों मोटिवेशन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, मोटिवेशन मोटम से बना है, मोटिवेशन इंग्लिश वर्ड है, मोटम लैटिन वर्ड है। मोटम का जो शाब्दिक अर्थ होता है टू मूव या मोशन या मोटर मूव या मूव मोटर, कोई गति करना या क्रिया करना, वही हमारी क्या कहलाती है मित्रों अवप्रेरणा कहलाती है, क्या कहलाती है अवप्रेरणा कहलाती है। यहां पर हम बात करें अवप्रेरणा की, तो अवप्रेरणा होती क्या है भाई, बार बार वही बात निकल के आ रही है अवप्रेरणा, ये तो हमारी रही इसकी शाब्दिक उत्पत्ति। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, हाँ देखिए, अब बात करते हैं इनकी परिभाषा को लेकर के मित्रों। एक परिभाषा, एक हमारी परिभाषा ऐसी है मित्रों जिससे मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अवप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। सुन लीजिए, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, कोमा जारी रखने व नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। सुन लीजिए, अवप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, ऐसा हमारा कहा था गुड महोदय ने। किसने कहा था गुड, यह परिभाषा हमारी गुड महोदय की है, और यह परिभाषा में इन्होंने कहा था अवप्रेरणा, तीन शब्द हमारे निकल के आ रहे हैं, क्रिया को प्रारंभ करने, क्रिया को जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। क्या है नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। अब मित्रों यहां पर एक प्रश्न और हमारा बनता है दोस्तों, वो बनता है अभिप्रेरणा के कार्य, इस परिभाषा में से ही आपको, वहां तो मैं अलग पढ़ाऊंगा ही, लेकिन यहां पर देखिए
इस परिभाषा में से ही आपके सामने एक क्वेश्चन निकल के आया है कि हमारे अवप्रेरणा के कार्य। देखिए अवप्रेरणा के हमारे मित्रों तीन कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? तीन कार्य होते हैं मित्रों। अवप्रेरणा के हमारे सामने यहां पर तीन कार्य हैं। पहला कार्य क्रिया को उत्पन्न करना। देखिए पहला कार्य हमारा क्या है? क्रिया को उत्पन्न करना, या जिसको हम कई किताबों में लिखा रहता है कर्म पैदा करना। कर्म भाई, क्रिया को उत्पन्न करना, क्रिया को प्रारंभ करना, कर्म पैदा करना, क्रिया को दूसरा है जारी रखना। कई किताबों में लिखा हुआ है उन्नति को कायम रखना, क्रिया को जारी रखना, उन्नति को कायम रखना, और थर्ड है दिशा देना। या लक्ष्य प्राप्ति तक उसे, लक्ष्य प्राप्ति तक निर्देशित करना। देखिए मित्रों इसी आपको परिभाषा में से हमारे सामने अवप्रेरणा के तीन कार्य निकल करके आए हैं। पहला है उन्नति को, यानी कि क्रिया को हमें क्या करना है? उत्पन्न करना है, क्रिया को प्रारंभ करना, कर्म को पैदा करना, दूसरा है क्रिया को जारी रखना या उन्नति को कायम रखना, तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति तक उसे निश्चित दिशा की ओर निर्देशित करना या दिशा देना, वही हमारा क्या कहलाता है? अवप्रेरणा कहलाता है मित्रों। ऐसा हमारा किसने कहा था? गुड ने कहा था कि अवप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करना, क्रिया को जारी रखना और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है मित्रों? अवप्रेरणा कहलाती है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले हमारे सामने, मैं आपको थोड़ा और इजी कर देता हूं इस मैटर को। सबसे पहले कोई भी चीज हो, सबसे पहले हमारी क्या प्रोसेस होती है? इनपुट होता है मित्रों। क्या होता है? इनपुट। कोई भी चीज है, सबसे पहले हमारी इनपुट प्रक्रिया होगी। इनपुट के बाद हमारा होता है मित्रों प्रोसेस। क्या होती है? प्रोसेस। अब प्रोसेस के बाद हमें क्या आता है मित्रों? आउटपुट। क्या आता है निकल के? आउटपुट। देखिए मित्रों कैसे आउटपुट आता है। सबसे पहले जैसे हम कंप्यूटर की एक बात करते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत हमने लिखा है 2+2। अब हमने कंप्यूटर में ये क्या डाल दिया? इनपुट डाल दिया। अब इनपुट के अंतर्गत हमें क्या पता, कंप्यूटर जैसे हम इनपुट डाल दिया, डाल करके हम बैठे हुए हैं, हम कह रहे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अरे रिजल्ट कहां से आएगा? आपने उसको एंटर ही नहीं दबाया है, प्रेस ही नहीं किया है। तो अब प्रेस करोगे, जैसे आप प्रेस करोगे तो ये कंप्यूटर क्या करता है? बाइनरी लैंग्वेज में आपसे इस कैलकुलेशन को हल करेगा। अब हमें नहीं पता है कैसे करता है, नाच करके करता है, हंस करके करता है, रो करके करता है, गा करके करता है, लेकिन आप जैसे इंटर दबाओगे आपको वो रिजल्ट निकाल करके देगा कैलकुलेटर कि आप 2+2=4 कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले भाई हमने बालक को पढ़ाना स्टार्ट किया जून और जुलाई में,
ध्यान रखना, जून या जुलाई में बालक को पढ़ाना स्टार्ट किया। अब जब हमने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने देखा क्लास में उसकी जो पोजीशन है वो अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं रात दिन बालक को पढ़ाने में। क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। बीच में हमें कोई काम से बाहर जाना पड़ गया तो हम क्या देखते हैं, बच्चे की मेहनत वहीं पर रुक जाती है, कोई उसको गाइड करने वाला पीछे से नहीं मिलता है। और हम जब आते हैं, जब हमारे सामने आउटपुट यानी कि उसका रिजल्ट हमारे सामने मार्च अप्रैल मई जून में जब निकल करके आता है तो हम क्या देखते हैं, उसका रिजल्ट पहले से बेटर नहीं है, पहले से कम है। क्यों है? आपने क्रिया को पैदा तो कर दिया, क्रिया को आपने जारी नहीं रखा। अगर जब क्रिया जारी नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा कैसे मिल जाएगा मित्रों? तो यही है, इसलिए क्या कहते हैं कि बालक को मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बात की थी कि क्रिया को प्रारंभ करना है, क्रिया को जारी रखना है, और जब तक जारी रखना है तब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मित्रों क्या हो जाए? उसको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, क्रिया को जारी रखना है। दूसरी बात करते हैं, अवप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। देखिए दूसरी परिभाषा, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। अवप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ये किसने कहा था? हमारा क्रैच एवं क्रैचफील्ड, क्रैच एवं क्रैचफील्ड ने कहा था। इन्होंने ये कहा था, बालक को हमें क्यों मोटिवेट करना है। बालक को हमें क्यों मोटिवेट करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारे हमारे प्रश्नों के आंसर हमें कहां पर मिलते हैं, मोटिवेशन में मिलते हैं। मोटिवेशन की अगर हम बात करें मित्रों, सबसे पहले यानी कि हमें देखिए दो चीज हैं, एक चीज हमारी निकल के आती है निष्पत्ति। क्या निकल के आती है मित्रों? निष्पत्ति, अचीवमेंट्स। और दूसरी हमें क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यताएं। ये दोनों जब होंगी तो आपको क्या प्राप्त होगी, अभी प्रेरणा। भाई अभी प्रेरणा के लिए ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहली निष्पत्ति हमारे प्राप्तियां और दूसरी हमारी है क्या, हमारी योग्यताएं। यानी कि प्रेरणा से व्यक्ति में योग्यताओं का विकास होता है, योग्यता और प्रेरणा से ही निष्पत्ति संभव है, ऐसा हमारे किसने कहा था मित्रों, वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि निष्पत्ति और योग्यता इन दोनों से ही अवप्रेरणा संभव है। किसे? इन दोनों से ही हमारी अवप्रेरणा संभव है। यानी कि प्रेरणा का अर्थ हमारा क्या होता है, सजीव प्रयास। एक और देखिए लास्ट, यानी कि प्रेरणा का अर्थ सजीव प्रयास, ऐसा हमारे किसने कहा था, एवरिल ने कहा था। एवरिल ने कहा था प्रेरणा का अर्थ क्या, हमारा सजीव प्रयास। आप बार बार प्रयास करिए, आप क्या होगे, अब प्रेरित अपने आप ही हो जाओगे। ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये है मित्रों हमारा अवप्रेरणा की शाब्दिक उत्पत्ति और अवप्रेरणा की परिभाषाएं। आगे हम बात करेंगे अवप्रेरणा की विशेषताओं को लेकर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।